प्रभु जी वो स्टैंड ला दो आप ना, मेरा टूट गया, वो मेरा नीचे गिरा दिया, टूट गया। मेरे तो छोटा वाला कोई नहीं, दे दो वही। Oh,
कृष्ण
सवाल था। तो जब वो जा रहे थे तो धोबी कपड़े धोते धोते एक नजर तो प्रभु की तरफ देखी, फिर अपने कपड़े धोने लगा। अब जब प्रभु वहां से जा रहे थे तो वो उसके समीप आए और उस गांव में कोई भी भगवान का नाम नहीं लेता था। तब प्रभु ने कहा चलो इस गांव को हम बाहर कर देते हैं। तो जब वो वहां से जा रहे थे तो उन्होंने धोबी से कहा भाई कहो हरिमोल। वो कहते हैं पता नहीं इन साधुओं को क्या है, आते ही कहने लगे हरिमोल। अब पता नहीं मुझसे क्या मांग रहे हैं, मेरे पास तो वैसे भी कुछ है नहीं देने के लिए। तो कहते अब वो चुपचाप अपने कपड़े धो रहा था। तो बोला प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तो कुछ आपको देने वाला नहीं हूँ, मेरे पास तो वैसे ही कुछ नहीं है। कहते हैं नहीं हरिमोल हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम एक बार हरि बोलो। तो कहते हैं पता नहीं अब तो बार बार कह रहे हैं कि हरिबोल, अब तो संत का जरूर कुछ स्वार्थ है कि हरिबोल बुलवा रहे हैं मुझसे। कहते हैं अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि क्या कह रहे हैं हरिबोल। कहते हैं नहीं मैं तो नहीं बोलूंगा, मेरे पास वैसे ही कुछ नहीं है और पता नहीं आप ये क्या अजीब सी चीज मांग रहे हैं, हरिबोल मुझसे बार बार कह रहे हैं। तो कहते हैं नहीं मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बस तुम एक बार हरि बोल लो। कहते हैं नहीं मैं नहीं बोलूंगा। तो अब धोबी सोचता है ना जाने कहां से आ गए, मेरे तो पीछे ही पड़ गए। अब वो कपड़े धो रहा था तो प्रभु कहते हैं एक बार हरि बोलो। अब उसको क्रोध आ जाता है और कहता है इन संतों को कुछ काम धंधा तो कुछ होता नहीं, सारे दिन इधर से उधर घूमते रहते हैं, बस हरि बोल करते रहते हैं। अब वो महाप्रभु कहते हैं अच्छा तुम्हें कपड़े धोने वह हो रही है तो तुम दोनों ना काम एक साथ करो ना, हरि बोलो और कपड़े भी धो लो। कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, आप यहाँ से कृपा कर जाइए। कहते हैं अच्छा तुम्हारे से नहीं हो रहा तो लाओ तुम्हारे कपड़े मैं धो देता हूँ, तुम हरि बोलो। तो यहाँ प्रभु शिक्षा दे रहे हैं, यदि भी हमें किसी को भगवान का नाम अगर मुंह से बुलवाना ही है और उससे प्रभु का नाम लेने का हमने संकल्प कर ही लिया, यदि हमें उसका कोई काम भी करना पड़ जाए तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगा और तुम हरि बोलो। तो अब सब भक्तजन भी देखते हैं और धोबी को भी आश्चर्य होता है कि प्रभु ये क्या कह रहे हैं। अब तक प्रभु की नजरों में उसने नहीं देखा था, अब वो देखता है और गौर हरि को देखता है, इतने सुंदर गौर हरि प्रभु, और अपनी आंखों में देखता है तो आंखों से करुणा बरसा रहे थे। अब कहते हैं एक बार हरि बोलो ना। तो अब वो कहता है ठीक है आप जो बुलवा, मैं कुछ आपको देने तो वाला नहीं, हाँ आप जो बुलवा रहे हो जल्दी बुलवाओ फिर मुझे अपना काम करना है। कहते हैं ठीक है मेरे पीछे एक बार हरि बोलो। तो कहता है हरि बोल। अब दोबारा कहता है एक बार और हरि बोलो, हरि बोल। दोबारा हरि बोल कहते ही अब उसके तो पूरे शरीर में रोमांच उठ गया, प्रभु की भक्ति उसके उसमें शरीर में, और वो ना चाहते हुए भी हरि बोल ये धुन कहने लगा और दोनों हाथ करते हरि बोल नाचने लगता है। अब प्रभु का तो वहाँ काम हो गया, वो चले और थोड़ी दूर पर जाकर बैठ गए। अब सब भक्तजन भी वहाँ थोड़ी दूर पर जाके खड़े हुए और देखने लगे कि ये इस धोबी को हो क्या गया। अब वो नाचता कूदता हरि बोल बस यही करो जा रहा है। अब ये करते करते वो बेहोश भी हो जाता है और उसकी आंखें भी चली जाती हैं जो दृष्टि होती है, पर अब उसके मन में तो श्री गौर हरि की मूरत बस जाती है और वो हरि बोल बस यही धुन लगा रखता है। अब थोड़ी देर में उस धोबी की पत्नी वहाँ पर उसके लिए खाना लेके आती है और पहले तो उसे दूर से देखती है कि ये मेरे प्रभु को हुआ क्या। अब देखती देखती थोड़ी दूर आती है और कहती है फिर हर्षित भाव से कहती है अरे ये नाचना कब से सीख लिया तुमने। तो अब वो तो प्रभु की लीला में एकदम मगन है, बस हरि बोल किया जा रहा है। अब इतना देखकर वो तो घबरा जाती है कि पता नहीं इनको क्या हो गया, और जाती है गांव में सबको कहती है एक बार चलो तो देखो तो सही मेरे प्रभु को ना जाने कौन सा भूत लग गया है। अब सब लोग सोचते हैं दिन में तो कोई भूत का भय नहीं होता और पता नहीं कौन सा भूत लग गया, चलो देखते हैं। तो पूरा गाँव इकट्ठा होकर वहाँ पर आता है और देखता है। अब किसी वो तो हरि बोल गाते हाथ ऊपर कर बस नाचते जा रहे हैं हरि बोल। अब कोई भी उनके पास जाता तो नहीं, पर एक सौभाग्यशाली व्यक्ति जाता है और
वहाँ जाकर उनको हाथ लगाता है। अब उन थोड़ी सी उन्हें चेतना आती है और वो उसे आलिंगन कर लेते हैं। आलिंगन करते ही उनका उसके मन में भी हरि बोल बस उसके मन में प्रभु अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं और वो भी हरि बोल अब जितने भी उसे जैसे जैसे एक दूसरे को टच करते हैं सबके सबको ये हरि बोल सब ऐसे ही करने लगते हैं। मानो वहाँ भक्ति की गंगा प्रवाहित हो रही है, पूरा गांव हरि बोल करने लगता है। अब महाप्रभु ये देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। अब ये हरि नाम कोई साधारण नहीं है, ये भूत जिसको भी लग जाए ना उसका उद्धार ही करता है और जो उसके संग में आता है ना साथ साथ उसका भी उद्धार कर देता है। इसलिए आप सब भी एक बार बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन शब्दों पांचा कृपा के पास ओम ज्ञानतिमिरान्दश ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै शिवगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि शिगौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्म भक्ति वेदांत साष्टांगणाम कृपावंशकृतम तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्यलीलाप्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्म भक्ति वेदांत नारायण गुरुस्वामी महाराज जी नित्यलीलाप्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर तस्म भक्ति श्रीकृष्ण सिद्धांति गुरुस्वामी महाराज के चरण साष्टांगणाम करके उनका हेतु की कृपावंशा करता हूँ। सौभाग्य सदा सफरीकर श्रील जगत गुरु प्रभुपाद शिल गौर नित्यानंद प्रभु सभार शिल सपरिकर श्री युगन किशोर राधा गोविंद जी के चरण साष्टांगना श्री जगन्नाथ जी बलदेव सुभद्रा सुभूषण जी के चरण साष्टांगना हरिकथा श्रवणकारी वैष्णव वैष्णवी भक्तवृंद के चरण धनका यथा योग दंडम स्वीकार। कुछ दिन से हम लोग श्रवण कर रहे थे राय रामानंद सिंहाचलम सीमांचलम पहले सिंहाचलम नाम था उसके बाद सीमांचलम नाम से वो प्रसिद्धि है विशाखापट्टनम वाइजेक से 10 किलोमीटर की दूरी पे जो नृसिंहदेव हैं वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु ने नृसिंहदेव को दर्शन करके वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु नृत्य कीर्तन आदि किए प्रेम वेश आवेश में आके नृसिंहदेव के 2-3 श्लोक में स्तुति किए थे श्रीमन महाप्रभु ने उसको श्रवण कर रहे थे। अब इसके आगे पहले से ही जैसे श्रवण किए करते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जिस जिस जगह पर भी जाते हैं उस जगह में जो जो ब्राह्मण देखते हैं जिस जिस स्थान पर श्रीमन महाप्रभु जाते हैं वहाँ पे जो जो व्यक्ति देखते हैं तो महाप्रभु क्या करते हैं घर में निमंत्रण देते हैं, बोलते हैं प्रभु आप आज हमारे घर प्रसाद पाओ, एक बोलते हैं प्रभु नहीं आज हमारे घर प्रसाद पाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मण में वहाँ पे श्रीमन महाप्रभु को प्रेम से निमंत्रण देते हैं और उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हुए श्रीमन महाप्रभु उनके घर भी जाते हैं। तो इससे आगे बता रहे हैं कि एक जगह पे श्रीमन महाप्रभु ने जैसे ही निमंत्रण करने के लिए गए निमंत्रण किसी विप्र ने किया तो श्रीमन महाप्रभु के गले में जो फूल का हार था वो श्रीमन महाप्रभु उस विप्र को देते हैं।
जैसे ही उस विप्र को देते हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि उस विप्र के हृदय में भी उसी प्रकार का भाव जागृत होता है जिसे श्रीमन महाप्रभु देना चाहते हैं। पूर्ववत वैष्णव करी सर्वलोकगणे गोदावरी तीरे प्रभु अयला कत दिने। ऐसे धीरे धीरे चलते 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 गोदावरी विशाखापट्टनम से करीब 250 किलोमीटर दूर राजमंड्री, राजमंड्री से भी फिर 50 किलोमीटर अंदर कबूर, तो वहाँ पे श्री राय रामानंद जी और श्रीमन महाप्रभु का मिलन हुआ था। तो उसी स्थान पे जहाँ पे श्रीमन महाप्रभु जाते हैं, तो बता रहे हैं कि पूर्ववत वैष्णव आचरण करते हुए, जिस प्रकार वैष्णव सेवा को ग्रहण करते हुए महाप्रभु जाते जाते एक दिन क्या हुए ना, गोदावरी जो कबूर के तट पे श्रीमन महाप्रभु पहुँचते हैं। गोदावरी देखी हैला जमुना स्मरण तीर बन देखी हैला स्मरित वृंदावन। गोदावरी को देखते ही श्रीमन महाप्रभु को क्या स्मरण में आया कि ये तो साक्षात यमुना जी है, और वहाँ का जो गोदावरी के क्षेत्र में जो उपकूलवर्ती में जो तट पे जो जंगल आदि था, वन आदि था, उसको देख के साक्षात गोवर्धन स्मरण हुआ। तो यहाँ पे विशेष करके प्रभुपाद और श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने एक टीका में लिख रहे हैं कि विशेष करके जो तीर्थ दर्शन का जो फल है, तीर्थ दर्शन का वास्तव में फल क्या है ना, साधु संग। तीर्थ में जाओ घूम घाम करके खा पी के ऐश करके पूरा मजा में फिर चले आओ, वो तीर्थ दर्शन का फल नहीं है। हमारे सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जिनका कल तिथि है, यहाँ पे उनका भी पटचित्र है, तो उन्होंने और हमारे प्रभुपाद ने बड़े सुंदर सुंदर विचार बताया तीर्थ के ऊपर पर। तो इसमें बता रहे हैं कि एक कीर्तन का आज इसको श्रवण करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मन तुम्हें तीर्थ सदा रत, कि ए मन, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर एक के मान लो कि जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने मन शिक्षा में गाली दे रहे हैं, क्षुरोस्य मूत्र धार स्नापयित्वा, कि तुम्हारा मन इतना चंचल है कि तुमको तो गधे के मूत्र से स्नान करना चाहिए, इस प्रकार का क्यों जलन हो रहा है, जल रहे हो तुम। तो उसी प्रकार यहाँ पे श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने भी जो इस शिक्षा में उपदेशामृतम अपने शिक्षा में इस प्रकार का भाव को दिखा रहे हैं कि रे मन तीर्थ सदा रत, तुम हर समय क्या चाहते हो, तीर्थ घूमने के लिए चाहते हो, क्यों क्यों तीर्थ घूमने के लिए चाहते हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि पड़ोस के घर चले गए घूमने के लिए वृंदावन, अब हम भी क्या करेंगे, वो लोग चले गए हम नहीं जाएंगे, तो हम भी चलेंगे, वो लोग यहाँ चले गए हम भी उधर चलेंगे। तो इस प्रकार का जो होता है ना, हमने देखा है एक जगह पे हमारे उड़ीसा में एक के घर एक गोपाल जी थे, पुरी से कुछ दूर है एक के घर एक गोपाल जी थे। पहले बार एक महीने के बाद हम एक महीने उस गांव में नाम हट्ट होता है, गुरु जी जानते हैं एक ओलकुंडा नाम की जगह है, एक के घर सुंदर गोपाल जी थे। एक महीने में वहाँ पे गए थे तो देखे बड़े सुंदर गोपाल जी, दूसरे के घर में देखे उनके ही घर में दूसरे घर में दूसरे प्रकोष्ठ में छोटे गोपाल, दूसरे महीने में देखे वो गोपाल थोड़े बड़े हो गए थे और छोटे गोपाल भी थोड़े बड़े हो गए थे, तीसरे महीना में देखे वो भी और बड़े हो गए थे, ये गोपाल भी और बड़े हो गए थे। तो हमने कुछ दिन के बाद पूछा कि एक एक महीने में क्या खिला देते हो भाई, ये गोपाल बड़े क्यों हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला, एक माता जी ने हमको बोला, देखो उनके गोपाल हमारे गोपाल से थोड़ा बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं उसी गोपाल को अलग से रख देते हैं और पूरी चले जाते हैं तुरंत, और पूरी में से और एक गोपाल ले आते हैं ताकि उनके गोपाल से बड़े हो। फिर ये क्या करते हैं, ये अरे इनका गोपाल तो बड़ा हो गया है, अब मैं क्या करूँ, फिर से पूरी चला जाऊँ, पूरी धाम तो पास में ही है, वहाँ से एक और एक गोपाल ले आऊँ। तो इस प्रकार का जो आगे कीर्तन में भी बता रहे हैं कि इस प्रकार विग्रह सेवा भी नहीं होता, इसी प्रकार तीर्थ में, अरे मन तीर्थ सदा रहता, तीर्थ में क्यों जाना चाहते हो, किस लिए जाना चाहते हो, देखो क्या बता रहे हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका द्वारावती आर अच्छे जत, कि जो सप्तपुरियाँ है, सप्तपुरी क्या है, भगवान के सात अंग पे ही सप्तपुरी विराजमान है। अयोध्या, अयोध्यापुरी हम सभी जानते हैं राम जी के अयोध्यापुरी है, भगवान के कपोल पर विराजमान है, और मथुरा, मथुरा भगवान के ग्रीवादेश है, कंठ में मथुरा विराजमान है। मायापुरी, मायापुरी क्या है, मायापुरी कौन सा, हरिद्वार, हरिद्वार को बोलते हैं मायापुरी, तो मायापुरी भगवान के हृदय पे विराजमान है। और काशी, काशी भगवान के नाक है, बोलते हैं ना काशी में सारे पंडित रहते हैं, कुछ भी हो गया तो नाक कट जाएगा, वहाँ पे सारे पंडित रहते हैं, काशी भगवान का नाक है।
और कांची भगवान का उदर है, और अवंतिका भगवान का उरु है, और द्वारावती भगवान का चरण है। अवंतिका यानी उज्जैन भोपाल सिटी में, और कांची तिरुपति से करीब 150 किलोमीटर के दूर पे कांचीपुरम है, जहाँ पे जगन्नाथ जी ने और बलदेव प्रभु ने स्वयं घोड़े पे विराजमान करके एक राजा को रक्षा किया था, और वहाँ पे एक माणिक के हाथ से ठाकुर जी ने दही खाए थे, कांचीपुरम। और द्वारावती यानी द्वारिका साउथ में गुजरात में है, क्या पश्चिम में है ये। तो ये जितने भी तीर्थ स्थान है, ये बोल रहे हैं कि तीर्थों में क्यों घूमना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो, तो बते तुम्ही चाहो भ्रमी बारे सकल बारे बारे मुक्ति लाभ हो परिवार तरे, कि तुम्हारा उद्देश्य तो एक ही बार है कि तुम बस इसमें जाके घूम घाम करके आना चाहते हो। किस बहुत सारे लोग द्वारिका जाते हैं किस लिए, समंदर में स्नान करने के लिए। बहुत सारे लोग पुरी जाते हैं किस लिए, समंदर में वहाँ स्नान करने के लिए। बहुत सारे लोग काशी जाते हैं, काशी में बहुत सुंदर सुंदर व्यू, बहुत अच्छा अच्छा गार्डन है, बहुत अच्छा अच्छा घाट है, वहाँ पे सनसेट और सनराइज देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं। हाँ, तो इसमें बता रहे तुम ही चाहो भ्रमी बारे ये सकल और बारे बारे, इस सब जो तीर्थ स्थान है तुम बस एक बार बस घूमने घूमने ही जा रहे हो, मुक्ति लाभ परिवार तरह। और कुछ लोग तो जाते हैं कि हमारा मुक्ति हो जाए, हम गंगा में थोड़ा क्या करें नहा लें ताकि हमारा क्या हो जाए, पाप धुल जाए। कुछ किसी किसी व्यक्ति का ये भी चिंताधारा है। तो यहाँ पे बता रहे से सकल तव भ्रम निरर्थक परिश्रम, भक्ति विनोद ठाकुर ये बात को बता रहे कि से सकल तव भ्रम, ये सब भ्रम है, ये सब केवल तुम्हारा भ्रम ही है, भ्रम के अलावा कुछ नहीं है। और निरर्थक परिश्रम, व्यर्थ ये क्या है, परिश्रम है, टाइम पास है, टाइम वेस्ट है तुम्हारा तीर्थ में घूमना। तो क्या बता रहे कि चित्त स्थिर तीर्थ नहीं करे, मन को जो स्थिर करना हो तीर्थ नहीं करते हैं। मन को स्थिर कौन करते हैं, इसके आगे बता रहे हैं। तो इसका मतलब प्रभु जी आप बोल रहे हो कि तीर्थ में नहीं जाना चाहिए क्या, बोले अवश्य जाना चाहिए। तो किस भाव से जाना चाहिए, भक्तिनाथ ठाकुर ये बता रहे हैं कि तीर्थ फल साधु संगे साधु संगे अंतरंग श्री कृष्ण भजन मनोहर जथा साधु तथा तीर्थ स्थिर करी निज चित्त साधु संग कर निरंतर। कि तीर्थ का जो फल है, तीर्थ का जो वास्तव फल है उसका क्या ना, उसका फल है वास्तव में साधु संग, वैष्णव के दर्शन। वैष्णव के दर्शन से ही तीर्थ का वास्तव जो फल वो मिलते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांत स्थिर गदाधृता। तो इस तीर्थ को भी जो परम तीर्थ में परिणत कर देते हैं, उसी प्रकार का साधु का किस प्रकार का महिमा है। नहीं अम्बयानि तीर्थानि न देवामृत शिलामया फिर ते पुनंत उनुकाले न दर्शन देवे साधवा। इसमें बता रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक ते पुनंत उरु काले न, कि उरु काल तक बहुत समय लंबे समय तक अगर कोई तीर्थ में स्नान करे, गंगा यमुना मथुरा आदि तीर्थ में स्नान करने के बाद भी, और उरु काले न शिला भगवान के जो सालग्राम शिला प्रभु को सेवा करे, इसका जितना भी पुण्य होगा वो तो केवल दर्शन देवे साधवा। शास्त्र में बता रहे हैं एक साधु के दर्शन मात्र से ही वो प्राप्त हो जाते हैं। दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण, दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण। पूज्य पाठ भक्ति प्रदीप गोकुलपुरी गोस्वामी महाराज जी, एक बार अचानक से कुछ ऐसा परिस्थिति हो गया, महाराज जी जब 100,000 हरिनाम नहीं करते मंगल आरती नहीं आती। तो एक समय पूज्य पाठ भक्ति देसिक आचार्य गोस्वामी महाराज जी बोले, उनके गुरुदेव प्रभुपाद के ही शिष्य हैं, बोले कि चलो, वृंदावन में ही रहते थे और इमली तला के आसपास ही रहते थे, तो वहाँ से जो सामने वाले गली राधा दामोदर और श्याम सुंदर जी है, तो बोलते हैं चलो चलो मंगल आरती का समय हो गया। तो महाराज जी रात में ही बोल रहे हैं कि अभी तो हमने 100,000 हरिनाम किया नहीं, यमुना स्नान भी करना है। तो विचार नहीं करके गुरुदेव को प्रणाम किए, प्रणाम करते ही राधा दामोदर मंदिर में गए और दर्शन किए। वहाँ का पंडित लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछते कि महाराज जी आपने तो स्नान नहीं किया, तो बोलते हैं दर्शन पवित्र कर ए तुम्हार गुण, इसमें मेरा पूरा विश्वास है। क्या बता रहे हैं कि जो नरोत्तम दास ठाकुर ने जिस प्रकार का भाव लिखा है कि दर्शन पवित्र करो ए तुम्हार गुण, कि दर्शन मात्र से ही पवित्र होते हैं, और मेरे गुरुदेव तो परम वैष्णव है, उनके मतलब उनके जैसे साधु तो मेरे लिए और कोई भी है ही नहीं, तो उनके दर्शन मात्र से मैं जिस प्रकार का पवित्र हूँ, तो तीर्थ स्नान से भी वो बहुत बड़ा है। तो दर्शन पवित्र करो ये तुम्हार गुण में मेरा पूर्ण श्रद्धा है। तो ये तो उनका उस लेवल की स्थिति है, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम
सर्दी के दिन में आके गुरुदेव को दर्शन करके मंदिर में आ जाए। हमारा ये स्टेज नहीं है तो मुक्त अवस्था में हो, हम प्रभु जी बोल दे कि दर्शन है पवित्र कर रही तुम्हारे गुण बिना नहा धोए मंदिर में आ जाओ, बोले जी प्रभु जी आपको दर्शन मात्र से पवित्र हो गए, ऐसा बात नहीं है। ये तो उनका मुक्त अवस्था का स्टेज है, जो जिस स्टेज में उनने किस प्रकार का भजन किया है, किस प्रकार का उनका आदर्श है। तो तीर्थ फल साधु संघ, तीर्थ का जो वास्तविक फल है वो यहाँ पे बता रहे साधु संघ, और साधु संघ अंतरंगे, बस साधु संघ, बस साधु संघ मतलब क्या, अंतरंगे उनके जो मनोविष्ट, उनके जो वाणी, उनके जो सेवा, थोड़ा भी अगर स्पर्श कर लिया ना, वो वास्तव में तीर्थ का फल है, वास्तव में वही तीर्थ का फल है। श्री कृष्ण भजन मनोहर, उससे क्या होता है, कृष्ण भजन मनोहर मतलब ठाकुर जी का जो भजन, उसमें एक प्रेरणा, एक उत्साह मिल जाता है। तीर्थ में जाने के बाद साधु के पास जाओ तो वो किस प्रकार का उनका भजन प्रदर्शी, किस प्रकार का उनका जो भजन आदर्श, उसको देखने मात्र से, उसको श्रवण मात्र से मन में एक उत्साह होता है, एक उत्साह होता है। एक बार पूज्यपाद भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज जी, कृष्ण चैतन्य मिशन के वर्तमान के आचार्य, इन्होंने बोले कि मेरे गुरुदेव भक्ति वैपुरी गोस्वामी महाराज जी को अगर ये वृंदावन चंद्र, वृंदावन चंद्र वृंदावन में एक मंदिर है, बोलते हैं ये वृंदावन चंद्र अगर मेरे गुरुदेव भक्ति वैपुरी गोस्वामी महाराज जी को आके बोल रहे कि मेरा कटोरा चोरी हो रहा है, तो इस बात को गुरुदेव के मुख से हम जब श्रवण करते हैं, एक उत्साह मेरे ऊपर भी आ गया, महाराज जी बोल रहे हैं एक उत्साह मेरे अंदर भी आ गया कि 3 साल पहले अगर ये अगर चोरी करके इनको शास्त्र प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दे रहे हैं गुरुदेव को, तो मुझे क्यों नहीं दे, तो किस प्रकार का भाव है। तो हमारे गुरु जी भी कहते हैं ना कि पूज्यपाद भक्ति वैपुरी गोस्वामी महाराज जी को शिव जी स्वयं आके पान मांगते हैं, तो किस प्रकार का वैष्णव में जो वैष्णवता है कि साक्षात ठाकुर जी उनके साथ लीला करते हैं, तो उस सब लीला को धाम में जाके जो श्रवण करने के बाद उसमें जो उत्साह आता है कि हमें भी प्राप्त हो कभी ना कभी, हमें भी उस प्रकार का कृष्ण, इस प्रकार का कोई हमें अनुभूति दिखाए, तो इस उत्साह के लिए वास्तव में क्या होता है, तीर्थ में जाना चाहिए। इस उत्साह के लिए तीर्थ में जाना चाहिए कि हम तीर्थ में जा रहे हैं बस घूमने खाने पीने के लिए नहीं, वहाँ के जो वैष्णवगण है वहाँ की कथा कीर्तन को श्रवण करने के लिए इसी भाव से हम जाएंगे। फिर आगे बता रहे हैं कि जे तीर्थे वैष्णव नहीं से तीर्थे ना ही जाएं कि लाभो हटिया दुरदे से, कि जिस तीर्थ में वैष्णव नहीं है उस तीर्थ में ना ही जाए, उस तीर्थ में नहीं जाना चाहिए कि लाभो हटिया, हटिया मतलब घूमना, किस प्रकार का लाभ होगा, दुरदे से दूर दूर इधर उधर घूमने में कोई लाभ नहीं होगा। पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु एक बार कह रहे थे, एक दिल्ली का भक्त है, शायद लाइव हो रहा है, नाम नहीं बताऊँ, जानता हूँ, तो मुझे बाद माधव प्रिय प्रभु कह रहे थे कि एक बार कि गुरुदेव के समय के स्थिति है, कार्तिक का महीना था, परिक्रमा चल रहा था, तो माधव प्रिय प्रभु ने एक दिल्ली के भक्तों को कॉल किया और कॉल करने के बाद उनको बुलाया कि आप लोग आ जाओ, और आने के बाद फिर यहाँ पे विशेष रूप में कैसे आना है, क्या करना है, उसने सब पूछ लिया। माधवप्रिय प्रभु इतने अच्छे से बताते हैं इस भाव को कि उसने, माधवप्रिय प्रभु बोलते हैं कि उसने मुझे ये भी पूछा कि प्रभु जी मैं कितने जोड़ी कपड़ा लेके आऊँ, क्या क्या लेके आऊँ, किस समय लेके आऊँ, किस रूट में लेके आऊँ, माधवप्रिय प्रभु ने उसको सारे चीज़ बता दिया, कैसे सटीकरा से आए, सटीकरा से फिर कैसे इधर से घूम के हमारे मठ में आए। तो उसने मठ में आया, हाँ मठ में आने के बाद पूज्यपाद माधवप्रिय प्रभु कहते हैं कि कथा हुआ, कीर्तन हुआ, कथा कीर्तन में माधव प्रिय प्रभु उसको ढूंढ रहे हैं कि ये तो नहीं है, तो कथा कीर्तन के बाद जैसे ही पूज्यपाद माधव प्रिय प्रभु, कीर्तन जैसे ही खत्म हुआ, कथा कीर्तन जैसे ही खत्म हुआ, प्रसाद जैसे ही खत्म हो गया, तो वो लोग फिर से आते हैं, 2-3 गृहस्थ भक्त फिर आते हैं। तो माधव प्रिय प्रभु कहते हैं कि कहाँ थे आप, तो कथा कीर्तन में दिखे ही नहीं, बैठे ही नहीं थे। तो बोलते हैं हम तो बांके बिहारी घूमने गए थे और वहाँ पर मेरा एक दोस्त दिखाई दिया और उससे बातचीत करते करते 2-3 घंटा हो गया, और बस हमने उसके बाद हमने ब्रजवासी का जो समोसा है उसमें खा लिया राम बाला का, और उधर से खाओ घूम घाम करके आते आते और हम नहीं खाएंगे, अब टेंशन मत लो। तो हम माधवप्रिय प्रभु बोलते हैं कि किस प्रकार का जो तीर्थ में किस चीज़ के लिए माधवप्रिय प्रभु किस एम के लिए बुलाए, किस उद्देश्य के लिए बुलाए, हाँ उस उद्देश्य को पूरा मतलब नहीं कर पाए, जो कथा कीर्तन वास्तव रूप में जिस चीज़ के लिए बुलाए, महाप्रसाद, वैष्णव दर्शन, हाँ एक उत्सव होता है तो सारे मठ के वैष्णव को बुलाया जाता है, सारे मठ में वैष्णव को दर्शन होता है, वो दर्शन से वंचित हो गए। तो उसी प्रकार तीर्थ में केवल इसी उद्देश्य से जाना चाहिए कि हमें केवल साधु संघ प्राप्त हो,
और साधु संघ प्राप्त होने के बाद भजन है उत्साह बल करी अभिज्ञान, मतलब भजन के जो उत्साह है किस प्रकार भजन का उत्साह। और एक एक जगह पे भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि स्पष्ट प्रेम विज्ञापन है, एक एक बात पे बता रहे हैं कि स्वरूप श्री गुणा जी ने स्पष्ट प्रेम विज्ञापन है, ये सब प्रेम का विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना हम, टूथब्रश और बहुत सारी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट देखते हैं फिर उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पे बता रहे हैं रागा वैसे ब्रजे धाम थाके यदि तीव्र काम क्या करे चाहो अपना भजन, राधा कृष्ण सेवा करो अपना भजन, ऐसा कुछ कीर्तन है कि तुम्हारे अगर राग में अगर प्रवेश करने की अगर तुम्हारे अगर हृदय में थोड़ा सा भी इच्छा है तो तुम क्या करो, स्पष्ट प्रेम विज्ञापन है, जो प्रेम जिनको प्राप्त हो चुका है जिन गुरु वैष्णव को उसी प्रकार का जो अनुभूति प्राप्त हो चुका है उनको देखो, वो एडवर्टाइजमेंट को देखो कि ये किस प्रकार का उनका विज्ञापन, किस प्रकार का भक्ति विनोद ठाकुर का जो भाव है वो बता रहे हैं कि इस एडवर्टाइजमेंट को देख के अगर तुम्हारे हृदय में अगर उत्साहित नहीं हो रहा, तुम्हारे अगर हृदय में उत्साहित नहीं हो रहा तो उनके चरण पकड़ के रो, रोते रोते उनको प्रार्थना करो, और प्रार्थना करते करते एक दिन रति उपजवे, एक दिन क्या होगा धीरे धीरे तुम्हारे हृदय में वो प्रेम ऑटोमेटिकली उनके प्रति तुम्हारे श्रद्धा उत्पन्न होगा, और श्रद्धा जैसे ही उत्पन्न होगा धीरे धीरे वो वैष्णव तुम्हारे ऊपर, वैष्णव अदयालु कभी नहीं होते, एक चीज़ अगर सच्चे हृदय से मांगते ना वैष्णव जगत में सच्ची वास्तव में वैष्णव कभी भी अदयालु नहीं है, एक चीज़ अगर सच्चे हृदय में मांगो तो निश्चित रूप में वैष्णव क्या करते हैं प्रदान करते हैं। हम हर दिन स्तुति करते हैं बांछा कल्पतरु, आप तो कल्पतरु हो, बांछा जो चीज़ मांगो वो प्रदान करने वाले आप में सामर्थ्य है, हम हर दिन प्रणाम करते हैं ये प्रणाम स्तुति भी। तो इसमें बता रहे हैं कि वो प्रेम को निश्चित रूप में तुम्हारे हृदय प्रवेश करा ही देंगे वैष्णव। तो इसके आगे बता रहे हैं कि जथाए वैष्णवगण से स्थान वृंदावन, देखो जहाँ पे वैष्णवगण रहते हैं उसी स्थान ही क्या है वृंदावन बोल रहे हैं, से स्थान है आनंद अशेष, उसी स्थान में ही आनंद अशेष, मतलब पूरा उच्च लेवल का आनंद है जिसको वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, उसी प्रकार का आनंद है। बता रहे हैं कृष्ण भक्ति जय स्थान है मुक्तिदासी सेखा ने सलीला तथाय मंदाकिनी, कृष्ण भक्ति जहाँ पे है वहाँ पे मुक्ति नामक दासी जो जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े जोगी साधन तपस्या करते हैं क्या क्या करते हैं वो दासी बन के गेट कीपर के पास बाहर सिक्योरिटी गार्ड बन के वो दासी बन के खड़े रहते हैं मुक्ति नामक दासी। और बता रहे हैं कि गिरी तथा गोवर्धन वहाँ का थोड़ा थोड़े जो पत्थर है गिरी वहाँ का क्या है वो साक्षात गिरिराज जी है जिस स्थान पे वैष्णवगण रहते हैं, भूमि तथा वृंदावन उस स्थान क्या है साक्षात वृंदावन धाम है, आविर्भूता अपनी लादिनी भक्त विनोदी कहे भाई भ्रमिया की फल पाई, अब भ्रमण करके क्या फल मिलेगा, हाँ वैष्णव सेवन मोर व्रत कि वैष्णव सेवन ही मेरा व्रत है। तो श्री ये जो भाव है और एक दो मिनट और एक बात बता रहा हूँ, ये जो वैष्णव सेवा का जो भाव है एक बार पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी करीब 5 साल पहले की बात है, और उस समय 5 साल पहले की बात है मैं संध्या के समय ठाकुर का भोग लगाया और भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का इतने शिष्य रहते थे, इतने शिष्य हमारे पूरी जो मठ गए हैं जो जो हमारे पूरी मठ में गए हैं वो भर जाता था, उसके आगे एक मठ है गोपीनाथ गोड़े मठ दिखता है वो भर जाता था, और भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का एक नया फ्लैट लिए थे वो भी भर जाता था, सब हमारे मठ से ब्रह्मचारी सब चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, हम भी जल्दी जल्दी मेरा सेवा था तो मैं जल्दी जल्दी सेवा पूजा ख़त्म किया, सेवा पूजा ख़त्म करने के बाद देखो हमारे मंदिर ऊपर था उस समय, नीचे स्विमिंग पूल और नीचे प्रभु जी रहते बंसीवर्धन प्रभु उस समय रहते थे नीचे, तो सब लोग चले गए हैं, मैंने देखा कि 5-10 मिनट बाकी है, मैंने सोचा अब कथा तो ख़त्म ही हो जाएगा, 5 साल के पहले की बात बताऊँ, देखो वैष्णव में किस प्रकार का भाव दिखाते हैं, मैंने सोचा कि कथा तो ख़त्म ही हो गया होगा अब जाके क्या करूँ, अब जाके कोई मिलेगा ही नहीं और क्या समझ भी नहीं आता है, महाराज जी इतना टॉप टॉप बात कहते हैं समझ भी नहीं पाते, तो बोलते हैं कि 5-10 मिनट है मैं जाके और क्या करूँ, जाने का और कोई फायदा ही नहीं, तो मैंने छत के ऊपर चला गया और घूम रहा, तो पूज्यपाद बंसीवर्धन प्रभु को देखा मैंने दौड़ते हुए जा रहे, पूज्यपाद वर्धन महाराज जी दौड़ते हुए जा रहे भगे जा रहे हैं दौड़ते, और उन्होंने मुझे देख लिया ऊपर से चिल्ला रहे नीचे से यहाँ पे जो लोग गए हैं स्विमिंग पूल से चिल्ला रहे, अरे सामानंद क्या कर रहे हो कथा में नहीं गए,
तो महाराज जी सेवा आज लेट हो गया था, ठाकुर जी का शयन अभी अभी करवाया और 5-10 मिनट है, क्या जाऊँ। बोले मूर्ख जल्दी आओ। तो ऊपर से मैं 3 फ्लोर है तो उसे दौड़ते हुए आया, कुर्ता पहना तुरंत ही। और महाराज जी मुझे रास्ते में जाते जाते बोले, 5 मिनट का फल तुम जानते हो? महाराज जी बोल रहे, महाराज जी दौड़ते बोले बोले भागो, 5 मिनट का जो संग है, 5 मिनट का साधु संघ का फल जानते हो तुम? 5 मिनट तो बहुत दूर बात है, शास्त्र में बताए लवे मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि है। एक लव कितना होता है? 1 सेकंड से भी कम। तो इतना भी कम साधु संघ क्या होता है? सर्व सिद्धि है, सब प्रकार का सिद्धि को प्राप्त करते हैं। हाँ, 1 सेकंड का फल तो 5 मिनट तो बहुत देर की बात है, चलो कथा में चलो। फिर दौड़ते हुए ले गए। तो इस प्रकार का जो महाराज जी उस दिन भी बोले, तुम धाम में रहते हो, धाम का वास्तविक फल क्या है? हर दिन कथा श्रवण करना, कथा सुनना, इस चीज़ को वहाँ पे बताए थे। एक बार की और एक बात है, मैं उस समय बेंगलोर पे था, कुछ पढ़ाई कर रहा था। तो मेरे 3 दोस्त, कुछ मेरा इंटरनल एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया, तो मेरे 3 दोस्त थे, उन लोगों ने हम पूरा पूरी आने के लिए हमने तय कर रखा था। तो मैं आ नहीं पाया तो उनको भेज दिया, उनका टिकट हो चुका था, तो वो लोग आ गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो लोग पूरी आए, मैंने उनको बोल दिया कि मठ के सामने रुकेंगे, मठ में ही रुकेंगे। मैंने बंसीवदन प्रभु से भी बात कर लिया कैसे रुकेंगे, कथा कैसे सुनेंगे, कीर्तन कैसे सुनेंगे। 2-3 दिन का प्रोग्राम था। जिस दिन आए उस दिन थक गए, उस दिन सो गए। दूसरे दिन उठे और मठ के सामने क्या है? समंदर है। बस सुबह चले गए 6 बजे और आए 2-3 बजे। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, मुझे लगा कि मंगल आरती जाएंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे। मैं होता तो पक्का जोर जबरदस्ती ले जाता। बस सुबह से गए और आए समंदर में, तो नहाने के पता ही नहीं चलता समय, वो 8-10 घंटा वहाँ पे नहा के आए शाम के समय। और नहा धो के आके क्या लगता है, फिर पैर हाथ बड़ा दर्द होता है, फिर से सो गए। मैंने पूछा आज दर्शन किया कथा में? क्या नहीं कर जाऊँ, चलो छोड़ो। दूसरे दिन एक स्वर्ग द्वार के पास बड़े सुंदर सुंदर क्या है, होटल है, वहाँ पे होटल पे जाके चकाचक खाए, पूरा इधर उधर उल्टा पुल्टा सब खाए। मैंने बोला कि मठ में प्रसाद नहीं पाए, नहीं चलो आज एक दिन पा ली। फिर उधर से फिर घूम घाम करके शाम में आए, तीन दोस्त थे। हाँ, तो नाम भी बोल देता, सुनील प्रमोद ऐसा कुछ है। तो वो लोग आए फिर से, मैंने सोचा अनुपम प्रभु थे उस समय मठ में, मैंने बोला प्रभु जी इन लोगों को कथा कीर्तन सुनाओ, तो वो लोग सो गए थे। फिर तीसरे दिन उठे, सोचे तीसरे दिन उनका ट्रेन था और बेंगलोर जाने का एक ही ट्रेन क्या, प्रशांति एक्सप्रेस, तो जाता है पूरी से खोर्धा रूट से। तो ट्रेन का टाइम था शाम के 6 बजे। अब इन लोगों ने सोचने लगे कि हम तो, मैंने डांट लगा दिया, भाई तुम गए थे जगन्नाथ जी का, अभी तक दर्शन नहीं किया, ना महाप्रसाद खाया और ना ही कुछ वैष्णव का साधु संग किया, बस घूम घाम कर आ गए। तो उन्होंने तुरंत ही मंदिर के लिए निकले, अपने लगेज को ले, प्रत्यक्ष बात है 2013 या 14 का बात है, ये लगेज को ले लिए और मठ से निकले। बंसीवदन प्रभु को प्रणाम प्रणाम किया, सब वैष्णव को प्रणाम किया, लगेज को लेके निकले और बोले कि हमारे मठ से पूरी मंदिर करीब 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो बोले कि वहाँ से जाए मंदिर में, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ से स्टेशन जाए, इससे अच्छा तो हम लगेज लेके वहाँ पे एक लॉकर में रख देंगे, दर्शन करके फिर चले जाएंगे, ऐसे सोचे। और जैसे ही मंदिर में पहुँचे, लॉकर वॉकर में सब चीज़ रख लिया, एक तरफ जूते, एक तरफ मोबाइल और एक तरफ लगेज रख लिया, और मंदिर के अंदर घुसे। जैसे ही घुसे पता चला कि उस दिन शिव विग्रह में बनक लागी नीति है, 6 घंटे तक मंदिर बंद। हर महीने में ठाकुर जी के 2 नीति होता है, मतलब 2 विशेष सेवा, एक दिन ठाकुर जनेऊ चेंज करते हैं और एक दिन ठाकुर सेविंग होते हैं, बनक लागी नीति। तो करीब 4 से 6 घंटे तक बंद रहता है, तो 6 घंटे मंदिर बंद। तो 6 घंटे मंदिर बंद जब हुआ, अब क्या करें, रात को खुलेगा 10 बजे मंदिर, अब महाप्रसाद भी बंद है, तो अब इस ऐसा स्थिति हो गया कि कुछ भी मिला नहीं। तो ज़ोर ज़बरदस्ती उनको क्या किया, फिर भी आके ट्रेन में बैठ के फिर आ गए। तो देखो वो तो गए थे किस उद्देश्य से, मठ में भी गए, रुके भी और सब जगह घूमे भी, लेकिन जो वास्तव तीर्थ के जो फल क्या है, साधु संघ किया नहीं। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं बोला, भाई तुमने मठ में आके रुका और साधु संघ किया नहीं, चलो मैं भी तुमको दर्शन नहीं दूंगा,
तो किस प्रकार जो वास्तव में जो वैष्णव दर्शन, जो विग्रह दर्शन का वास्तव में जो फल है वो क्या है ना, वैष्णव संग, साधु संग। इस प्रकार भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कि भ्रमिवार की फल पाई वैष्णव सेवन मोर चित्त। इससे आगे श्रीमन महाप्रभु इस बात को क्यों कहा, कल श्रवण करेंगे। शरीर है हमें बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला, हमने बहुत इसका एक्सप्लेन सबने किया है, हैं एक्सप्लेन जरूर देखो। जो लोग थोड़ी लिखे पढ़े ना माताएं, जो थोड़ी सी लिखे पढ़े तुम लोग कोशिश करना कथा को पूरा, एक कथा को एक कथा को याद कर। तुम्हारी बेटी कहाँ गई, आती नहीं क्यों, उसको बोल देना महाराज जी याद कर रहे थे, हैं उसने अभी तो बच्ची है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर है, हैं अभी तो वो टीचिंग करता है, लगभग ये चीज़ को तुम्हारी बेटी ने बहुत भक्ति में लाई लाई ना बहुत। हाँ, इसलिए ये श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये यूट्यूब में सब कथा जा रही हैं, बोल देना इसको देख करके उसको याद कर ले और उसको कल जरूर लेकर के आना। और कल है हमारे बहुत सारे संतों का श्री गदाधर पंडित, ये कौन है, श्री राधा रानी, कल का इनका तिथि है। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति जगत का भगीरथ है, जिन्होंने भक्ति धारा को जगत में लाई, उनका भी कल तिथि। और किसका तिथि है, स्वरूप दामोदर, हाँ बोल दिया ना, और किसका है, दो है, और स्वरूप दामोदर मुझे लगता है। इसलिए जो जो ललिता सखी की जो अवतार है, कल बहुत सारे संतों का तिथि, इसलिए कल हम कोशिश करेंगे सभी के लिए प्रसाद की यहाँ व्यवस्था करके, ज़्यादा नहीं लेकिन सभी के लिए कोशिश करेंगे, जैसे आप लोग कहीं पर पेट भर कर प्रसाद खा लेंगे, जाना ज़्यादा आइटम नहीं करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। हाँ मैं से डाल देना, कल वैष्णव का तिथि सब लोग आज, हाँ महाप्रसाद, इसलिए हाँ सुन लो। इसलिए कि उस श्लोक का हमने बहुत व्याख्या सुनी, उस श्लोक में मैंने बहुत बताया, कहते ये श्लोक में कहते तृणम जतेत न पतेत अनमृत जावत, कहते जो भक्ति कब से करनी चाहिए, कहते तृणम, तृणम मतलब होता है जितना जल्दी पारो भजन को शुरू कर दो, जो दूसरा जो काम है ना
उसके लिए थोड़ा पीछे रख लो, जैसे संसार का काम है, हम सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते हैं, ये संसार के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, हैं ये घर गृहस्थी काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। भगवान कहते नहीं, ये तो काम होता रहेगा, ये तो जन्म जन्मांतर में तुम यही करते हुए आए, तुमको मानव शरीर लाभ होने से पहले जो तुमको 84 लाख जन्म तुम भ्रमण किया तुमने किया है, चार ही काम तो किया, आहार मतलब सुन रहे तो भोजन किया, सोए, बच्चों को जन्म दिया, बास उसको खिला पिला कर बड़ा कर मर गया। ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो काम करते करते नहीं आया, सबके सब करते करते आए, लेकिन इसी जीवन में वो चीज़ को स्टॉप करो। स्टॉप करते हुए ये 84 लाख जन्म के बाद में जो एक बार ये जीवन मिला है, ये जीवन में प्रभु का भजन करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि प्रभु की भक्ति से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखो जीवन में सारा जीवन में केवल दो काम के लिए हम चेष्टा करते हैं, बता सकते हो दो काम क्या है? जन्म से लेकर मरने तक केवल दो चीज के लिए ही संपूर्ण जीवन को देते हैं। बोलो, हाँ, सुख कैसे मिले और दुख कैसे जाए, देखना केवल ये दो काम के लिए जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन दुख गया नहीं और सुख अभी तक आया है, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तो ये दुख जाएगा कैसे, सुख आएगा कैसे? तो बच्चों को कह रहे, बोले बच्चों भगवान की भक्ति के द्वारा जैसे तुमको सुख मिलेगा व दुख जाएगा, जगत में और कोई उपाय नहीं जो उपाय के द्वारा सुख लाओगे और दुख को भगाओ, केवल प्रभु की भक्ति से ही, क्योंकि सारे दुख का जो कारण है हमने कृष्ण बोली से ही, जीव अनादि बहन लोग अनादि काल से हमने भगवान को भूल गए, इसलिए ये सारे दुख का कारण है। जब उनको भक्ति करने लग जाओगे तो सुख अपने आप आ जाएगा, तुमको सुख बुलाने का जरूरत नहीं, अपने आप जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। बताओ हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या? राम का सेवाई तो करते हैं ना, राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपना दुख तो दूर किया, सबका दुख दूर करते हैं। शंकर जी को देखो, देवी को देखो, हमारे गणेश जी को देखो, दिन भर प्रभु का भजन, प्रभु का नाम सिवाय कुछ करते ही नहीं, और अपना दुख गया सबका दुख दूर करते हैं, हैं? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करो, बोले तृणम, तृणम मतलब होता है जितने जल्दी पारो प्रभु का भजन में लग पड़ो, दूसरे काम अगर थोड़ी सी बाकी रह जाएगा ना, कोई चिंता मत करो, वो होता रहेगा। कुछ कुछ कोई कहते ना, अगर मैं नहीं रहते तो बच्चों को कैसे पाल, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे? देखो हमारे, मैं यूरोप जाता हूँ, हॉलैंड में एक परिवार है, उनका 4 बेटी है और 2 बेटे हैं, 4 बेटी थे उनको, जो पिताजी, जो बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे थे, उनका पिताजी शरीर छूट गया, ये प्रत्येक घटना है, लेकिन ये सबके सब परिवार क्या हुआ, हमारे गौरव गोविंद महाराज थे, उनका शरण में आए, मेरे गुरु जी हमारे भक्तिवर नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य है, अभी बाद में सबके सब आए। आप सोच नहीं सकते, इन लोगों ने प्रभु की भक्ति करने का वजह से उनको जितना दूसरे जो परिवार के लोग उनको खिली उड़ाते, देख क्या दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो, हैं कोई काम धाम है नहीं, अरे पढ़ाई पढ़ाई करो ठीक ठाक से, क्या हरे कृष्ण करते हो, उनको 20 करते रहते थे, हैं, लेकिन उनका परिवार इतने होनहार तुम जो सोच नहीं सकते हो। उसका 2 बेटे इतने बड़े बड़े काम करते हैं, उसको अभी जब जाते हैं एक गाड़ी उनको सरकार तरफ से मिला जिसका कीमत 1 करोड़ रुपया, जो गाड़ी में ले जाते हैं उसके हैंडल भी पकड़ने का जरूरत नहीं, हैंडल भी पकड़ने का जरूरत, सरकार तरफ से मिला है। दोनों भाई इतने, और उनका जो बहन ही, जो बहन इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे ना, इतने अच्छे अच्छे एडवांस किया, क्योंकि प्रभु के चरण में आए, भक्ति करते थे, भजन करते थे, भगवान कहते हैं ना मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ोगे 10 कदम बढ़ूंगा, इतने अच्छे। और जो उनको जो 20 करते थे, क्या दिन भर हरे कृष्ण भजन करते रहे, तो कोई काम धाम नहीं, उनका बच्चे सब बर्बाद, कोई शराब पी रहे, कोई डांडीबाजी कर रहे, कोई जुआ खेल रहे, उनका सब बच्चे सब बर्बाद हो गए, लेकिन इनके जितने बच्चे इतने होनहार। वृंदावन में भी आते हैं हम लोग गाड़ी में बैठा करके, हम जब परिक्रमा से आते हैं ना, उनको गाड़ी में हम जितने श्रीदाम श्रीकांत उनको गाड़ी में हमारे अलग गाड़ी कर देते हैं, अलग गाड़ी करके, हाँ राशप्रिया जो शशिकला दीदी ये लोग, विजय उनका बेटा है, इतने उनका जो बहू मिली बड़ी बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर की, डॉक्टर है, डॉक्टरी है। इसलिए प्रभु की भक्ति करोगे ना, पिताजी चले गए लेकिन चले जाने पर भी इतने होनहार बने, इतने होनहार बने तुम सोच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहते तृणम, दूसरे काम को पीछे रखो, प्रभु का भजन करो, भगवान के लिए बढ़ोगे तो
देने वाले ठाकुर है और लेने वाले भी ठाकुर है। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी पारो प्रभु का भजन में लग पड़ो। प्रभु की तृणम, तृणम मतलब होता है जितने जल्दी, हम कहते ना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, भले पल में प्रलय होगी बहुरी रही कब। इसलिए कहते भजन के लिए देर मत करो, जितने जल्दी प्रभु की भक्ति में लगो। हैं इसलिए बोले जिस समय भगवान राम ने रावण को मारे, जब मर गए, मरने जा रहा था अभी भूमि में पड़ा हुआ, तब राम ने लक्ष्मण को बोले लक्ष्मण ये जो रावण है ना ये बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत वेदज्ञ थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास अच्छी ज्ञान, जाओ अंतिम समय में उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तब लक्ष्मण वहाँ पर गए, बोले भैया ने आपके पास में भेजा हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ। तब रावण कह रहा है बोले लक्ष्मण जो शुभ काम के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम के लिए देर करो, शुभ काम के लिए कोई देर नहीं करनी चाहिए। मैं मेरी मन में दो चीज़ इच्छा थी, अगर ये दो चीज़ कर लेता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। बोले पहला चीज़ मेरी इच्छा थी, मैं सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए एक सीढ़ी बना दो और सबके सब सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते स्वर्ग चले जाए हैं, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थी नहीं, मैं आसानी से बना सकता था। मैंने सोचा रही ये बात मेरे लिए थोड़ी बड़ी भारी बात, कभी मैं बना दूंगा, लेकिन बना दूंगा बोले फिर मैंने बना नहीं पाया। दूसरी इच्छा थी जो समुद्र पानी, बोले तीन भाग जल है, तीन भाग समुद्र है और एक भाग ये पृथ्वी स्थल है, तीन भाग ही पानी पानी है। समुद्र का पानी कभी देखे हो? कौन कौन देखे, देखो कितना मीठा है, एकदम नमकीन है, एकदम खारा है पानी, मुंह में भी नहीं दे सकते इतना खारी। लेकिन तीन भाग तो पानी, लेकिन किसका प्यास नहीं बुझा सकती है, ये किसका प्यास नहीं बुझा सकती है। लेकिन ये सोच रहा था अगर समुद्र पूरा पानी को मीठा बना दो ना, बात सब लोग पानी जब पियेंगे, बोले भैया ये पानी को मीठा किसने बनाया, बोले रावण, बोले हमें तो अपनी आप स्वर्ग चले जाता, सबका आशीर्वाद मिलता है ना, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थी नहीं, मैं आसानी से कर सकता था। लेकिन मैंने सोचा कर ही दूंगा, मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, मेरे को तो पता नहीं था रामचंद्र मेरे को मार डालेंगे, मर जाऊंगा। इसलिए यही जगत में आश्चर्य चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हमसे जो छोटे थे वो भी कोरोना में चले गए देखना, लेकिन हम क्या सोच रहे, अरे वो गया गया हम तो जाएंगे, हम तो अभी तक 100 साल तक जिंदा रहेंगे पूरा, ये बड़ा आश्चर्य चीज़ जगत में। इसलिए उन्होंने दो उनको अंतिम उपदेश दिया है, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। हर जगत में सबसे अच्छे क्या है, अच्छी क्या है, भगवान की भक्ति, प्रभु का भजन सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ जगत में नहीं। इसलिए बोले तृणम, जितने जल्दी पार प्रभु का भजन में लग जाओ। जब पतेत न पतेत अनमृत जाबत, कहते जो काल है ये हमारी चोटी को पकड़ कर रखा है, कहते जिसको भजन करना है ना उसको कैसे भक्ति में करनी चाहिए, भैया काल चोटी पकड़, कोरोना में कितने लोग गए हैं, ये काल हमें चोटी पकड़ कर रखा, किसी समय घिसड़ते हुए हमें ले सकता है। इसलिए क्या करो, जितने जल्दी पार प्रभु का भजन में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। इसलिए भक्ति करे किसी उम्र से, जैसे कुछ बच्चे लोग भजन करते हैं ना, कोई कोई बोलता होंगे अरे ये कोई भजन करने का तुम्हारी टाइम है, अभी तो लिखाई पढ़ाई करो, लिखा पढ़ा करके फिर नौकरी चाकरी करो, शादीशुदा करो, बच्चों को बड़ा बनाओ, फिर बच्चों का जब शादीशुदा कर दोगे ना, फिर जब रिटायर लाइफ हो जाओगे, रिटायर फिर एकदम वाला कर देना, ये अभी से इसी उम्र से क्या भजन करते हो, दुनिया के सारे लोग हमें यही बात कहते हैं ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते नहीं, देखो दूसरा श्लोक याद कर लेना ठीक है, भी प्रहलाद महाराज बच्चों को कह रहे हैं बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, किसको याद है श्लोक, किसको को याद है, इसलिए कल कोशिश करना पहला श्लोक तो याद कर ही लेना, हमें कितने साल से उम्र करनी चाहिए, बच्चों तुम लोग सब याद करना, तुम लोग बहुत ज़रूरत है ठीक है ना, आप लोग सब याद कर लेना ठीक है। इसलिए कहते कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत अनिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम, कहते प्रभु का जो भक्ति है, कहते ये 5 साल उम्र से प्रभु का भजन शुरू कर देनी चाहिए। क्यों 5 साल से क्यों शुरू करनी चाहिए, तब प्रहलाद महाराज इसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें एग्जाम्पल देकर के बच्चों को समझाया, उन्हें क्या समझाया हम इसको कल, तो कल संतों का तिथि है, कल संतों का तिथि सुनेंगे, परसों इसको सुनेंगे ठीक है। क्यों कह रहे, देखो केवल एक ही क्लास याद करो,
एक ही क्लास याद कर दो, आप किसी को भी प्रभु के बारे में आप समझा सकते हैं, ठीक है ना। जो थोड़ा कम उम्र के तुम लोग कोशिश करना, जब बड़े बूढ़े हो गए जितने याद कर लो कर लेना, और जो बच्चे लोग याद करना, ठीक है। हम कथा को यही विश्राम करते, आज कुछ बनाया नहीं ना, बनेगा फिर ले भक्तों को दे दो, जल जल चल जाओ। और कल है, और जितने तुम्हारे अड़ोस पड़ोसी भक्तों को बोल देना, कल संतों का तिथि है और कल भी प्रसाद है और परसों भी गुंडचा मंदिर में आर्जन विशेष दिनी है, आप लोग कोशिश करना सवेरे 9 बजे आ जाने, आ जाओगे तो मंदिर का आप साफ़ सुथरा करेंगे। उसी दिन मंदिर साफ़ करने से हृदय साफ हो जाता है। महाप्रभु भक्तों को लेकर मंदिर साफ करते थे, क्यों मंदिर साफ करते थे, इसका क्या रहस्य है, इस विषय के ऊपर बहुत अच्छे तरह से इसकी हम लोग इसकी कथा सुनेंगे। और हम 9 बजे आ जाओगे फिर मंदिर साफ पूजा कर देंगे, उसके बाद में फिर यज्ञ होगा, फिर उसके बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के दोपहर में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, फिर प्रसाद लेकर के जाना। फिर उसको जो तीसरे दिन रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, अभी तो हम सोच रहे थे हमारे जो भूमि लिया है हम हो सके तो हम उसको उसी दिन बढ़िया दिन ही होगा तो भूमि पूजा उसी दिन कर ले। फिर हम लोग कल बात को बैठ करके बात करके फिर आपको बताएंगे, और उसी दिन शाम को भी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है। जगन्नाथ जी रथ यात्रा शाम को कथा के बाद में प्रसाद है, जगन्नाथ जी विशेष विशेष प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है। हाँ अभी सब भक्त लोग आ जाए, आ करके बात करें, ठीक है। बोले बहन छागल कृपा सिंह नाम पावन भो वैष्णव भो नम, एक मजरा दे देती है। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। सब ताली बजाते हैं, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, हा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल, राधा रमन हरे गोविंद जय जय राधा रमन गोविंद गोविंद गोपाल जय जय गोविंद गोविंद गोपाल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि Thank you.